नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते। अज दी वीडियो विच आपां ओनली सिख रूलर्स दे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े भी एग्जाम विच बन सकदे ने ते एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपोर्टेंट ने ओह कवर करांगे। बट वीडियो स्टार्ट करन तो पहला मैं तुहानूं दस देना, इह मेरी लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो क्यों है दोस्तों? क्योंकि लाइक नहीं करते तुसीं ते इक कमेंट नहीं करते, इस करके मैं खुद ही डिमोटिवेट हो चुका है कि छड्डो, जे लाइक ते कमेंट नहीं करते कैंडिडेट जो भी बच्चे देख रहे ने, इन्ना इन्ने मतलब कि कम आने वाली चीज़ा ने, है ना, एग्जाम भी डायरैक्टली तुहाडे तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जे नहीं पूछे गए तो तुम मेरी क्लास देख लियो तो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वह मैच कर लियो। लगभग मोस्टली क्वेश्चन होंगे जोड़े वो इन्ह क्लासेस में सारे ही कवर होंगे। बट तुम फिर भी लाइक तो कमेंट नहीं कर देना, तो करके मैं मोटिव डीमोटिवेट हो चुका मैं, सॉरी। तो शायद अगे तो मैं तुम्हें क्लास ना प्रोवाइड करावे। सो कोई गल नहीं, चलो आप कर लें अज की क्लास स्टार्ट। सब तो पहला क्वेश्चन नंबर एक डायरैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तंग के राइट डाउन जरूर कर लियो। ओके, सब तो पहला क्वेश्चन नंबर एक की कहता है, सिख साम्राज का मोढ़ी किसू मनिया जाता है? मतलब कि पहला जो सिख शासक से वह किसू मनिया जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह, जिसके बारे सबनों पता। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज की स्थापना किस समय की थी? तो 1799 का टाइम है जोड़ा सिख राज दा, मतलब कि सिख साम्राज्य का स्थापना का उद्गम डे दिवस ईयर मनिया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, महाराजा रणजीत सिंह तो पहला पंजाब ने पंजाब ते किसने राज किया होया सी? तां अफगान का शासक सी। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट यह नाम याद रखियो, जमान शाह दुरानी सी, इस तों मतलब कि छुड़वाया सी अपने पंजाब नूं, ठीक है। इस नाल लड़ाई हुई सी जिस विच महाराजा रणजीत सिंह जित गए। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर चार की गल करिए, महाराजा रणजीत सिंह ने सब तो पहला पंजाब के किहड़े इलाके उत्ते कब्जा किया? लाहौर। तो लाहौर उस समय जो महाराजा रणजीत सिंह का शासन से उस समय लाहौर जी है राजधानी से पंजाब की, ठीक है। ये भी याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर पाँच की गल करिए, सिख साम्राज का गीत, सिख साम्राज का गीत मतलब एंथम। देखो महाराजा रणजीत सिंह ने की एक आपकी अलग जिहड़ी सेना बना ली सी जिन्हों दल खालसा का नाम दिता गया सी, ठीक है। तो उन्होंने मोटिवेट रखने वास्ते कि एक एंथम तैयार किया गया सी जिसका नाम सी देग तेग फतेह। ये भी याद रखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर छे की गल करिए, देग तेग फतेह का मतलब की है? दान अते हथियारों की जीत, यानी विक्ट्री ऑफ चैरिटी एंड आर्म्स, यह इसका मीनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सात की गल करिए, महाराजा रणजीत सिंह महाराजा का खिताब कदों दिता गया? 12 अप्रैल 1801 विसाखी का दिन से। एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो महाराजा का खिताब मिला से वह कि दिन से? उस दिन विसाखी का दिन से, तुम याद रखियो, तो 12 अप्रैल 1801 एग्जैक्ट डेट है। क्वेश्चन नंबर आठ की गल करिए, महाराजा की उपाधि महाराजा रणजीत सिंह गुरु नानक देव के वंशज द्वारा दी गई सी, उसका नाम की है? जो गुरु नानक देव का वंशज से उसने किया महाराजा रणजीत सिंह महाराजा घोषित किया, उसका नाम किस? साहिब सिंह बेदी। काफ़ी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें किसी भी चैनल पर नहीं मिलने, क्योंकि ये डीपली मतलब कि जमा डूंगा ही तो आप जाके ना अंदर कुएं के उतर के फिर आप क्वेश्चन पुट करते हैं, तो करके बहुत इंपोर्टेंट है। तो एग्जामीनर की करता घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पाँगा, तो करके राइट डाउन जरूर करो तो याद जरूर रखो इन्हों। क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, महाराजा रणजीत सिंह के समय सिख साम्राज्य किन्ने सूबे वंडिया हुआ सी? मतलब जो महाराजा रणजीत सिंह जी का साम्राज्य से पंजाब महाराजा उत्ते महाराजा रणजीत सिंह का पूरा अधिकार से, उस समय रणजीत सिंह ने चार सूबे वंड दिता सी। मेन सूबे कि लाहौर, मुल्तान, पिशावर ते कश्मीर, ये चार नाम भी तुसी याद रखो। क्वेश्चन नंबर दस की गल करिए, डैश दस खालसा का दल खालसा का पहला कमांडर से कौन सी? नवाब कपूर सिंह से, ठीक है। जिमें कि आप गल की है महाराजा रणजीत सिंह ने सेना तैयार की जिसका नाम से दल खालसा, ठीक है, उसका पहला कमांडर कौन सी? नवाब कपूर सिंह से। तो एग्जाम में काफ़ी सिख मिसल्स बारे पूछा जाता है भी सिख मिसल कि यदा फाउंडर कौन सी, मतलब कि यदा हैड कौन सी। तो दोस्तों यह सारी मैं थ्यूरी भी तुम्हें क्लास इन्नी वधिया क्लास प्रोवाइड कराई है ना थ्यूरी, वह जाके जरूर विजिट कर लो। इस वीडियो ने एंड स्क्रीन में दे देंगे, क्योंकि जी छोटी मोटी गल्ला रह जाती है वह क्वेश्चन में आप कवर नहीं कर सकते, वह थ्यूरी में आप कवर कर सकते हैं। तो थ्यूरी की क्लास है जिहड़ा सिख एम्पायर की, वह भी जरूर जाके विजिट कर लो इस क्लास तो बाद, ठीक है। तो हुण इह नोट कर लो, सिख विच कि मिसलां सी ते उन्हां दे फाउंडर कौन सी, यानी
जिन्हों मिसलदार कहा जाता है। ठीक है, तो सब तो पहला से करोड़ सिंह या मिसल इसका कमांडर यानी जड़ा फाउंडर से वह करोड़ सिंह से। उस तो बाद है निशान लंबालिया मिसल जिसका कौन सी मेन बंदा हैड कौन सी दुष्यंत सिंह से। उस तो बाद है शहीद दा मिसल जिसका कि मिसलदार कौन सी बाबा दीप सिंह से। इस तो बाद निकाई मिसल हीरा सिंह निकाई इन्हों का मेन हैड से। ठीक है, इस तो बाद डल्ले वाली मिसल डल्ले वाली का मेन हेड कौन सी गुलाब सिंह डल्ले वाली है। ठीक है, रामगढ़िया मिसल काफ़ी बार एग्जाम यही नाम रिपीट हुआ रामगढ़िया मिसल। ठीक है, इसका मेन कमांडर यानी मेन जिहड़ा हैड हुंदा उसे नाम पूछा जाता है। तो याद रखियो जस्सा सिंह रामगढ़िया इसका मेन हैड से। इस तो बाद गल करिए फुलकिया मिसल, फुलकिया मिसल का कौन सी हैड चौधरी फूल सिंह। इस तो बाद गल करिए भंगी मिसल का कौन सी हरी सिंह ढिल्लों। इस तो बाद आलू वाली मिसल जिसका मेन हैड से जस्सा सिंह आलू वालिया ये भी काफ़ी फेमस नाम ने। इस तो बाद गल करिए कन्हैया मिसल, कन्हैया सिंह कन्हैया मिसल भी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह क्योंकि महाराणी रणजीत सॉरी महाराणी महताब कौर सी जो महाराजा रणजीत सिंह की घरवाली सी वह कन्हैया मिसल नाल संबंधित सी ते जय सिंह की वह पुत्री सी। ठीक है, इस करके इंपोर्टेंट हो जाता है ये भी नाम याद रखो कन्हैया मिसल का जिहड़ा हैड सी वह जय सिंह सी। ठीक है, इस तो बाद फैजलपुरिया मिसल जां इसनों सिंघिया मिसल भी कह दिंदे आ। फैजलपुरिया एग्जाम विच दो नाम आउंदे ने, या तो सिंघपुरिया मिसल आऊगा या फैजलपुरिया, मीनिंग दोनों मतलब कि अड अड है नाम अड अड है ते मिसल एक सी ये। ठीक है, याद रखियो कपूर नवाब कपूर सिंह इसका हैड सी। इस तो बाद गल करिए शुकरचकिया मिसल, शुकरचकिया मिसल का जो हैड सी वह बुद्ध सिंह सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए शेर सिंह शेर ए पंजाब किसनों कहा जाता है। तो ईजी महाराजा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब कहा जाता है। ठीक है, इस तो बाद गल करिए क्वेश्चन नंबर 12 की शेर ए पंजाब किसनों कहा जाता, ओबियस महाराजा रणजीत सिंह ही रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए महाराजा रणजीत सिंह के माता ते पिता का नाम की सी। देखो महाराजा रणजीत सिंह के माता ते पिता का नाम महा सिंह शुक्रचकिया सी जो कि शुक्रचकिया का कमांडर सी मतलब कि वह एक वाइस कमांडर होंदा वह सी। ठीक है, ते इन्हां दी माता सी राज कौर। ठीक है सॉरी इन्हां दी घरवाली सी राज कौर। तो महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम महा सिंह शुक्रचकिया ते माता का नाम राज कौर सी। इस तो बाद गल करिए क्वेश्चन नंबर 14 की महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम क्या सी। बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन है बुद्ध सिंह सी महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए महाराजा रणजीत सिंह की मौत कदों और कित्थे हुई। तो 27 जून 1839 याद रखो यह डेट डायरैक्ट एग्जाम पूछी जाती है और लाहौर में उन्होंने डैथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद पंजाब का राज किसने संभालिया। तो उसका पुत्र से खड़क सिंह गुरगद्दी सॉरी गुरगद्दी ने जो राजपाठ से ना वो खड़क सिंह के हाथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए सिख रूलर का दूजा महाराजा कौन सी। ओबियस खड़क सिंह से उसका पुत्र से महाराजा रणजीत सिंह से जोड़े वो पहले से ते खड़क सिंह से वह दूसरा महाराजा बनया। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए खड़क सिंह की पत्नी का नाम की सी। कन्हैया मिसल की चंद कौर, जिमें कि आप उपर गल की शायद मैं महताब कौर कह दिता सी बट चंद कौर से। ओके, याद रखो खड़क सिंह की पत्नी का नाम। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए खड़क सिंह चंद कौर के पुत्र का नाम की सी। नौ निहाल सिंह से। इस तो बाद मुल्तान की लड़ाई कदों और किन्ना विचकार हुई। यह लड़ाई काफ़ी फेमस है दोस्तों एग्जाम पूछी जाती है। खड़क सिंह अफगान शासक मुजफ्फर खान 1818 ईस्वी में यह लड़ाई हुई सी। याद रखो मुल्तान की लड़ाई। ठीक है, इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए सिख रूलर का थर्ड महाराजा कौन सी। तो नौ निहाल सी। नौ निहाल की होया सी यह मतलब कि एक दो दिन बाद ही मार दिता सी मतलब कि कोई प्लान बना के मार दिता सी ता करके इसका ज़्यादा टाइम तक जिहड़ा राजपाठ नहीं चलिया सी। तो इसकी मौत तो बाद इस जिहड़ी माता जी सी उन्होंने कुछ टाइम तक जिहड़ी कि पंजाब की सत्ता नूं संभालिया। ठीक है, याद रखियो भी। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए डैश सिख साम्राज्य के सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे ने। जदों यह गल उदों दी हो रही जदों महाराजा रणजीत सिंह जी का जिहड़ा दौर सी ते उस टाइम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता सब तो देखो बड़ा तो मेन महाराजा ही हुंदा सी उस टाइम जो कि महाराजा रणजीत सिंह सी पर उस दे नीचे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता सी। तो सब तो लंबे समय तक पंजाब का राज संभालने वाला उस टाइम का सी ध्यान सिंह डोंगरा। काफ़ी फेमस नाम है यह याद रखो। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए नौ निहाल की मौत तो बाद
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸਨੇ? ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੌਰ ਹੈ, ਓਕੇ, ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਡੈਸ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਸਪਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿੱਤਾ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? 15 ਸਪਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਸ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਥਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਨੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪਾਰਥਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 15-16 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।